हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम। मैं आपको एडोबी फोटोशॉप के अंदर इस तरह का टेक्स्ट आपको बनाने सिखाऊंगा। ये बताऊंगा कि कैसे इस तरह का टेक्स्ट आप क्रिएट करेंगे और कैसे इफेक्ट के माध्यम से एक अलग सा डिफरेंट लुक अपने टेक्स्ट को, लिखे हुए टेक्स्ट को एक अलग सा लुक कैसे इफेक्ट देंगे टेक्स्ट पे, और एक अलग सा लुक कैसे क्रिएट करेंगे। इस तरह का आपको टेक्स्ट बनाना है। ये देख सकते हैं आप, इसमें मैंने इफेक्ट दिया हुआ है और एक अलग सा टेक्स्ट डिज़ाइन किया है। इस तरह का टेक्स्ट आप कैसे डिज़ाइन करेंगे ये मैं आपको एडोबी फोटोशॉप के अंदर बताऊंगा। इस तरह का लुक आपको क्रिएट करना है टेक्स्ट के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एडोबी फोटोशॉप खोल लें, उसके बाद न्यू पेज लें, फाइल में जाएँ, न्यू। न्यू में जाने के बाद फाइल का नाम दे दें, उसके बाद प्रीसेट साइज ले लें जो आपको अच्छा लगे। मैंने 8x10 चूज़ किया, आपको जो अच्छा लगे चूज़ करें। उसके बाद ओके करने के बाद ये मेरा पेज आ गया। आने के बाद लेयर में जाएं, लेयर का पैलेट में बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड जो रहता है, डिफ़ॉल्ट आपको बैकग्राउंड लेयर तो मिल ही जाएगा। बिना लेयर का काम करना ज़रा मुश्किल है एडोबी फोटोशॉप के अंदर। बैकग्राउंड को हमको कलर करना है ब्लैक, तो इस जगह पर क्लिक करें। अभी रेड है कलर, इस जगह पर क्लिक करें। ये देखिए, यहाँ पर ब्लैक ब्लैक कलर आ गया। आने के बाद ये फिल टूल है, ग्रेडियंट टूल, उसके बाद ये पेंट बकेट टूल है, इस पर क्लिक करें। उसके बाद पेज की जगह क्लिक करें, आपका ये बैकग्राउंड ब्लैक हो जाएगा। बैकग्राउंड मुझे ब्लैक करना है। करने के बाद आपको क्या करना है, एक नया लेयर लेना है, पिक टूल पे क्लिक करें। करने के बाद नीचे लेयर लेयर के ठीक नीचे यहाँ पे शॉर्टकट है न्यू लेयर के लिए, ये देख सकते हैं आप। इस पर क्लिक करें, एक नया लेयर लें। करने के बाद आप टेक्स्ट टूल पे जाएं। टेक्स्ट टूल पे देखिए चार ऑप्शन है, हॉरिजेंटल टाइप टूल, वर्टिकल टाइप टूल, हॉरिजेंटल टाइप मास्क टूल, वर्टिकल टाइप मास्क टूल। आपको क्लिक करना है वर्टिकल टाइप टूल, वर्टिकल टाइप टूल क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद पेज के इस जगह पे क्लिक करें। जैसा कि जैसे ही हम टेक्स्ट टूल पे क्लिक करेंगे उसका एक पैलेट ऊपर आपको दिखाई देगा। तो कलर अभी ब्लैक है, मुझे टेक्स्ट वाइट टेक्स्ट लिखना है, तो मुझे इसको वाइट करना पड़ेगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं, ये टूल बॉक्स पे यहाँ पे वाइट कर दें। उसके बाद आप टाइप करेंगे तो आप जो भी टाइप करेंगे वो वाइट हो जाएगा। गौतम, ये मैंने टाइप कर दिया, और इसे जरा टेक्स्ट को जरा बड़ा कर लें इसको, इस तरह का जरा इसको फैला दें। करने के बाद ये जो टेक्स्ट है सेम इसी तरह एक टेक्स्ट और लेना है, सेम इसी साइज का एक टेक्स्ट और लेना है। तो बेस्ट यही है, आप इसको डुप्लीकेट कर लें। तो डुप्लीकेट लेयर करने का आसान तरीका मैं बताता हूँ। ये बैकग्राउंड लेयर है, ये पहला वाला मेरा टेक्स्ट है, इस पे माउस पॉइंटर रखें, राइट क्लिक करें और यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर कर दें, ओके कर दें। डुप्लीकेट लेयर बॉक्स आएगा, उसको ओके कर दें। ये डुप्लीकेट लेयर पहला गौतम है, दूसरा है गौतम कॉपी जो सेकेंड वाला है। उसके बाद यहाँ पे आप जैसे ड्रैग करेंगे दूसरा वाला टेक्स्ट आ जाएगा, इसके ऊपर रहता है। जैसे आप कॉपी करें, इसे ड्रैग करें, दूसरा लेयर में ये मेरा टेक्स्ट आ गया। अब इसे क्या करना है, दूसरे वाले को मुझे रेड करना है, रेड कलर करना है। तो इसके लिए फिर ये टेक्स्ट टूल पे क्लिक करें, टेक्स्ट टूल पे वर्टिकल टाइप टूल पे क्लिक करें और इस जगह पे लाके नीचे लाके कर्सर से इसे सेलेक्ट कर दें। सेलेक्ट करने के बाद इसे रेड कलर करना है। फिर यहाँ पे जाएं इस फोरग्राउंड कलर पे और इस जगह कलर पिकर बॉक्स आ जाएगा, यहाँ से आपको रेड कलर लेना है। रेड कलर चूज कर लिया, ओके कर दीजिए। उसके बाद पिक टूल पे क्लिक करें तो देख सकते हैं आप, ये मेरा वाइट टेक्स्ट है और ये मेरा रेड टेक्स्ट है। दोनों एक ही साइज का होना चाहिए, एक इक्वल होना चाहिए, ये मेरा वाइट टेक्स्ट, ये मेरा रेड टेक्स्ट। करने के बाद जो पहला वाला टेक्स्ट है, ये पहला वाला जो फर्स्ट वन, उस पर क्लिक करें। उसे लेयर को सिलेक्ट करें, जैसे कि ये देख सकते हैं मूव कर रहा है। इसे सिलेक्ट करने के बाद फिल्टर में जाएं, फिल्टर में जाने के बाद स्टाइलिश स्टाइलिश में जाएं, जाने के बाद विंड 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 पे क्लिक करें। यहाँ पे ये टाइप कुछ टाइप के जब टाइप पे जब भी हम इफेक्ट डालेंगे तो ये ऑप्शन आएगा, रेस्टिसाइज करना ही पड़ेगा। फिर ओके कर दें, ये माइनस करके माइनस करेंगे तो जूम जूम इन हो जाएगा, तो टेक्स्ट मुझे दिखाई देगा। उसके बाद आप मेथड है विंड ब्लास्ट स्टैगर, तो आपको क्या करना है, चूज़ करना है विंड, विंड को हाईलाइट करें। विंड को करने के बाद फ्रॉम राइट कर दें या फ्रॉम लेफ्ट करें, फिर ओके कर दें इसे।
ये हल्का सा इफेक्ट है। फिर फिल्टर में जाएं, यहाँ पे विंड है, फिर क्लिक करें, हल्का सा इफेक्ट, ये देखिए हल्का हल्का। फिर फिल्टर में जाएं, विंड करें, ये देखिए फिल्टर में जाएं, विंड करें, या आप कंट्रोल एफ भी दबाएंगे, शॉर्टकट यहाँ पे है। जिस इफेक्ट को अगर बढ़ाना है, ज़्यादा इफेक्ट उसका बढ़ाना है, तो कंट्रोल एफ प्रेस कीजिए कीबोर्ड पे, तो ये देखिए फिर बढ़ा दीजिए, फिल्टर में जाकर विंड कर दें, ये हो गया। हो जाने के बाद आप क्या करें, ये दूसरा वाला जो टेक्स्ट है मेरा, दूसरा रेड कलर का है, उस लेयर पे, उस लेयर को सिलेक्ट करें और उसके बाद टेक्स्ट को इसके ऊपर रख दें। ये इस तरह आप वाइट लेयर के ऊपर, पीछे का टेक्स्ट जो है वाइट होना चाहिए टेक्स्ट, और ऊपर का जो रेड है उसे ऊपर लाकर इस तरह रख दें। रखने के बाद इसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना हो इस टेक्स्ट को ऊपर रेड वाला, तो रेड वाला लेयर आप सिलेक्ट रखें, या इस क्लोज करने से पता चलेगा, आपको दिखाई देगा। उसके बाद क्या करें, लेयर का ठीक नीचे एफ एफ लिखा होगा, एफ, ये लेयर स्टाइल डालना है, उस पर क्लिक करें। यहाँ पे आप देखेंगे बेबल इम्बोज लिखा होगा, बेबल इम्बोज, इस पर क्लिक करें, लेयर स्टाइल का बॉक्स आ जाएगा। आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर, बेबल इम्बोज के स्ट्रक्चर में जाना है, स्टाइल में आए, इनर बेबल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे पिलो इम्बोज है, इस पर क्लिक करें। करने के बाद साइज जरा बढ़ा दें इस तरह, ये इस तरह आप इसे बढ़ा दें। ओके, आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे मैं साइज बढ़ा रहा हूँ, ये अलग सा एक बेवल इम्बोज ऊपर से हो जाएगा, इसका इफेक्ट एक डिफरेंट लुक आ जाएगा। आप इसका साइज और बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा दीजिए, उसके बाद ओके पे क्लिक कर दें, ये देखिए ये। ये देख सकते हैं आप, ये मेरा टेक्स्ट तैयार हो गया, एक अलग सा मैंने लुक दे दिया है इस तरह का। आप बाहर देखा होगा आपने, ये देखिए इस तरह का मैंने एक इफेक्ट दिया है, सेम उसी तरह का इफेक्ट मैं फोटोशॉप में मैंने क्रिएट किया है, आप भी क्रिएट कीजिए। कुछ नहीं करना है, फिर मैं समझाता हूँ। सिंपल सा दो टेक्स्ट लिखें, पहला जो होना चाहिए बैकग्राउंड होना चाहिए ब्लैक, दूसरा जो टेक्स्ट होगा वो वाइट होना चाहिए, और एक और अलग सा टेक्स्ट होगा वो रेड होगा। तो पहला वाला जो वाइट टेक्स्ट है मैं आपको बता रहा हूँ, उसको क्या करना है, उसको सेलेक्ट करके फिल्टर में जाएं, जाने के बाद आप स्टाइलिश में जाएं, जाने के बाद उसे विंड विंड का इस्तेमाल करें, और विंड को क्या करें, इन पे क्लिक करेंगे, करने के बाद उसको आपको ओके कर देना है, ये इफेक्ट ये आता चला जाएगा। और उसके बाद इसको आपको क्या करना है, इसको बेबल इम्बोज कर देना है, रेड कलर करके इसके ऊपर आप इसे रख दें, इस तरह का टेक्स्ट आपको तैयार हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।